Very good morning to all. Welcome to the online class. So students, today we are going to take our very first chapter of history, which is the modern era. The modern era means the modern age of Indian history. So let's start the chapter. History is a study of past events, which means history जो होती है यानी इतिहास जो है हमारा वो पास्ट इवेंट्स यानी पास्ट की घटनाओं का पास्ट के इंसिडेंट्स का एक स्टडी एनालिसिस माना जाता है. हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पुराने समय यानी पास्ट में एंशियंट टाइम के लोगों के बारे में, उस समय की जगहों के बारे में और उस समय के कुछ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल मैनर्स में अरेंज करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उसी से हिस्ट्री को जाना जाता है या हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम. समय के साथ यानी प्राचीन समय से लेकर अब तक में जो भी समय के साथ परिवर्तन हुए हैं उन्हीं को हम हिस्ट्री कहते हैं. इट इज़ अबाउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड विद टाइम. हिस्ट्री का मतलब ही ये है कि हम ये जाने कि पास्ट में चीज़ें किस तरह से थीं और अब वो चीज़ें किस तरह से हुई हैं या फिर घटनाएं किस तरह से हुई हैं, सारी स्थितियां किस तरह से बदली हैं और पहले में और अब की सिचुएशन में क्या अंतर हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. व्हेन वी कंपेयर टुडेज लिविंग ऑफ पीपल देयर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेटअप टू द पास्ट पीरियड द वर्ल्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड चेंजिंग इवन नाउ. जब हम पहले के समय के और आज की स्थितियों के लाइफस्टाइल को, लोगों को, उस समय की सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस को कंपेयर करते हैं आज के मुकाबले, तो हम ये समझ पाते हैं कि तब में और अब में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं और अभी भी बदलाव हो ही रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इंटू थ्री डिस्टिंक्ट पीरियड्स. और इन्हीं सब फैक्टर्स के बेस पर हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने, स्कॉलर्स ने हिस्ट्री को थ्री मेन पार्ट्स में, थ्री मेन पीरियड्स में डिवाइड किया है, जो कि हैं एंशियंट, मेडुअल एंड मॉडर्न. एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास. तो इस चैप्टर से हम मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ऑल दीज थ्री पीरियड्स आर ऑफन मार्क्ड बाई द डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस. हर एज की अपनी अलग अलग खासियत रही है. हर एज में, हर यानी हर टाइम पीरियड में, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न पीरियड हो, सब हर टाइम पीरियड का कल्चर, उस समय का कस्टम, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, इकोनॉमिक जो एक लेवल था, पॉलिटिकल कंडीशंस, हर चीज़ें, सोशल प्रैक्टिसेस, सब कुछ अलग थे, सब में अंतर था. इन ऑल दीज पीरियड्स There exists difference while compared to the previous one. और हर एक पिछले समय के मुकाबले जो समय चल रहा था यानी present time के समय में कोई ना कोई अंतर ज़रूर था एक दूसरे के बीच में. Periodization in history has also undergone a change with the passage of time. जो कालगणना की गई इतिहास में या इतिहास का जो समय निर्धारित किया गया, इतिहास के अलग अलग टाइम पीरियड का जो एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया गया, उसे जो निर्धारित किया गया, वो भी धीरे धीरे समय के साथ चेंज हुआ. वी कैटेगराइज हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एनी इवेंट और समथिंग विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी इन अ बिग वे. हम हिस्ट्री में उन्हीं घटनाओं को कैटेगराइज करते हैं या हिस्ट्री की कैटेगरी में उन्हीं घटनाओं को मानते हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटी को या लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो, उन पर एक प्रभाव डाला हो. समटाइम्स द इन्वेजन्स और foreign attacks changed the entire setup of the society and economy according to the new political authority. कभी कभी जब किसी देश में या किसी राष्ट्र पर आक्रमण होते हैं, invasions यानी आक्रमण, और foreign attacks changed the entire setup of the society, वो पूरे समाज के setup को, उसकी economy को, उसकी political conditions को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं. As in the case of the Turkish invasion on India, विच ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडियन सोसाइटी एट ऑलमोस्ट ऑल द लेवल्स. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुर्कों का आक्रमण जब भारत पर हुआ, उसने पूरी तरह से भारत के समाज को, बहुत सारी चीज़ों को कई लेवल पर पूरी तरह से बदल दिया था. सिमिलर वॉज द केस विद द कमिंग ऑफ द मुगल्स एंड द ब्रिटिश. और वही स्थितियाँ
ब्रिटिशर्स के आने पर और मुगलों के यहाँ पे आक्रमण करने पर, या यहाँ पर उनकी उनका जो रूल एक शुरू हुआ, उनका शासन काल जो स्टार्ट हुआ, उससे बहुत सारे चेंजेस आए यहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इकोनॉमिक कंडीशंस में. ऑल दीज पीपल एडेड वन और द अदर एलिमेंट्स इन द इंडियन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रीज. लेकिन इन सब के अलावा जितने भी इन्वेजन्स आए या जितने भी फॉरेन रूलर्स आए, उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें, या फिर यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी. यहाँ के कल्चर को बहुत ही ज़्यादा इनरिच किया, यहाँ के सोसाइटी को इनरिच किया. इन इंडिया द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न पीरियड कोइंसाइड्स विद द डिलाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. इंडिया में जो मॉडर्न एज, यानी हिस्ट्री के मॉडर्न एज की जो शुरुआत मानी जाती है, वो मुगलों के रूल से, मुगलों के शासन के ख़त्म होने का एक समय था. यानी उनके साम्राज्य का जब पतन हुआ, या फिर उनके साम्राज्य में कोई ऐसा शासक नहीं रह गया जो पूरी तरह से पूरे देश की बागडोर को संभाल सके, तो वहीं पर मेडिवल पीरियड पूरी तरह से ख़त्म माना जाता है और वहाँ से मॉडर्न एज की शुरुआत मानी जाती है. एंड द इमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, उसके बाद से ब्रिटिश अथॉरिटी की, यानी ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत मानी जाती है. जस्ट इम्प्रूव वन थिंग इन इट, जस्ट इम्प्रूव वन थिंग, देयर इज अ वर्ड, दिस वन, डिलाइन, दिस इज नॉट डिलाइन, दिस इज डिक्लाइन, डी ई सी एल आई एन ई, विच मीन्स पतन, यानी किसी चीज़ का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, उसका पतन हो जाना, उसका ख़त्म हो जाना. सो जस्ट इम्प्रूव इट.